नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। मौत से एक दिन पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या से महंत नरेंद्र गिरी प्रसन्नता से मिले थे। हफ्ते भर पहले सूबे के पुलिस मुखिया मुकुल गोयल से भी महंत से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान भी वे खुश थे। एक दिन पहले भी अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हुए उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। पंखे से लटके मिलने के बाद उनका 7 पन्नों का सुइसाइड नोट सामने आ रहा है। इस पर यह सवाल है कि महंत ज़्यादा लिखते पढ़ते नहीं थे, ये तमाम बातें महंत की आत्महत्या की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से मिले 7 पन्नों का सुइसाइड नोट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह सब पहले से ही तय हो और कई दिनों से इसको लेकर मंथन चल रहा हो। यदि खुद महंत नरेंद्र गिरि ने लिखा तो उस वक्त उनकी मनोदशा क्या थी? कई शिष्यों का दावा है कि महंत जी बहुत पढ़ते लिखते नहीं थे। वहीं प्रयागराज, अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने दावा किया है कि वह इतना बड़ा सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते। महंत जी सिर्फ हस्ताक्षर करना और काम चलाओ लिखना ही जानते थे। गंगा सफाई आंदोलन में कानपुर के श्रमिक नेता रामजी त्रिपाठी के साथ नरेंद्र गिरि भी शामिल हुए थे। रामजी त्रिपाठी का दावा है कि नरेंद्र गिरि को कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। वे बताते हैं कि जब भी नरेंद्र गिरि जी को कुछ भी पढ़ना होता था तो वे अपने शिष्य को बुलाकर पढ़ाते थे। इसी तरह से लिखवाने के लिए भी किसी को बुलाकर ही समाचार पत्र लिखवाते थे। तो फिर उन्होंने आखिर ये 7 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिख दिया? उन्होंने बताया कि जब ऐसा पहली बार उनके सामने हुआ कि एक पत्र को पढ़ना था और महंत ने शिष्य को बुलाया और पत्र पढ़वाया। इस पर रामजी त्रिपाठी के पूछने पर उन्होंने बताया था कि वह लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। रामजी त्रिपाठी ने बताया कि गंगा सफाई आंदोलन में लिखे गए पत्रों में उनका नाम अंकित कर दिया जाता था। प्रयागराज में नरेंद्र गिरि के शिष्य सतीश शुक्ल ने भी बताया कि गुरुजी पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ हस्ताक्षर करना ही सीख पाए थे, लेकिन वह 7 पन्ने लिख ही नहीं सकते थे। उनके हस्ताक्षर से आत्महत्या में लिखे गए पत्र का मिलना बेहद ज़रूरी है। सतीश का दावा है कि वह एक लाइन भी नहीं लिख सकते थे। नरेंद्र गिरि के आरोपी शिष्य का भी दावा है कि नरेंद्र गिरि को लिखना पढ़ना नहीं आता था। कमरे में महंत नरेंद्र गिरि का शव पंखे में फंदे से लटका था। पास ही सल्फास की डिब्बी भी पड़ी थी, लेकिन यह खुली हुई नहीं थी। सुइसाइड नोट भी बिस्तर के पास ही रखा गया था। उनके शिष्य बबलू ने ही सबसे पहले घटना की सूचना दी थी। बबलू के मुताबिक रविवार को गेहूं में रखने के लिए गुरुजी ने सल्फास की गोलियां मंगाई थी। पुलिस ने मौके से महंत नरेंद्र गिरि का मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है। साथ ही सोमवार सुबह से मठ में आने और जाने वाले और महंत से मिलने वालों की लिस्ट भी बनाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। इनमें मठ के सेवादार भी शामिल हैं। मठ में लगे CCTV कैमरों के फुटेज की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मठ के पुजारी आद्या तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी और शिष्य आनंद गिरि को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आनंद गिरि ने इसे हत्या करार देते हुए इसके पीछे सिपाही अजय सिंह, जो कि गनर है, के साथ ही मनीष शुक्ल, विवेक और अभिषेक मिश्र पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। ये लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं और महंत के करीबी भी बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि पुलिस की एक टीम इनसे पूछताछ भी कर रही है। महंत की मौत की वजह इन विवादों में भी तलाश कर रही है पुलिस। पहला नंबर है, महंत नरेंद्र गिरि और उनके शिष्य आनंद गिरि के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। इसके बाद आनंद गिरि के बाघम्बरी गद्दी मठ और बड़े हनुमान मंदिर में प्रवेश पर आनंद गिरि के रोक लगा दी गई थी। दूसरी बात है मठ की जमीन को लेकर कई विवाद सामने आने लगे थे। इनमें हंडिया के सपा नेता महेश नारायण सिंह से विवाद हो या पंचायती अखाड़ा श्री निरंजरी के सचिव महंत आशीष गिरि की नवंबर 2019 को संदिग्ध हालत में मौत हो। तीसरी बात, नरेंद्र गिरि ने किन्नर अखाड़े से लेकर परी अखाड़े तक सब पर सवाल खड़े किए थे। चौथी बात, 2004 में तत्कालीन DIG RN सिंह से भी एक जमीन बेचने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें खुद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को बीच में आना पड़ा था। पांचवा, आनंद गिरि ने आरोप लगाया था कि मठ की जमीन अवैध रूप से बेची जा रही है। शहर के कीटगंज स्थित गोपाल मंदिर की जमीन हो या संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर का लाखों रुपए का चढ़ावा, सब में खेल हो रहा है। इसको लेकर मठ के अंदर की विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। फिलहाल पुलिस इन सारे पहलुओं की जांच कर रही है और उम्मीद है पुलिस जल्द ही इस किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगी। आप देखते रहिए लोकसेवा न्यूज़।